हे गाइस, क्या हाल चाल आपके। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर जब आपको कोई भी मैसेज करता है, जैसे कि सामने वाले ने आपको मैसेज कर दिया बट आपके पास में रिक्वेस्ट के अंदर मैसेज नहीं आया, तो गाइस ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस करते हैं। मेरे पास भी या फिर मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। ठीक है, मैं सोच रहा था कि यार मेरे को काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं बट मेरे पास तो मैसेज नहीं आ रहा है, एंड लोग बोलते भी है कि यार मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ बट आप सही नहीं कर रहे। डोंट वरी गाइस, आज का ये वीडियो देखने बाद में आपकी ये प्रॉब्लम 100% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी हेल्पफुल भी होने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार अपने को जल्दी से यहाँ पे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आई होप कि गाइज आप जल्दी करा दोगे। तो आज का ये वीडियो अपन बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये वाले प्रॉब्लम कैसे होती है। ठीक है, देखो यार इंस्टाग्राम को कोई भी अपडेट आता है तो अपडेट के अंदर कोई भी ग्लिच आता है उसके थ्रू भी जो भी सेटिंग्स रहती है वो एनेबल भी हो जाती है, डिसेबल भी हो जाती है। ठीक है, तब ये वाले प्रॉब्लम अपन को फेस करनी पड़ती है, या फिर किसी को नहीं पता है कि यार ये सेटिंग्स का क्या मीन है, अपन को इसको एनेबल करनी चाहिए फिर डिसेबल करनी चाहिए, या फिर अपन से खुद से भी ये चीज़ की गलती हो जाती है। ठीक है, तो डोंट वरी गाइज, अपन चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एंड आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 2nd नंबर के ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैसेज एंड कॉल्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको एनेबल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन की अपन बात कर लेते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसको ऑफ करके रखते हैं तो कोई भी आपको मैसेज करेगा तो आपके पास में शो नहीं होगा। एंड इसके बाद में आपको ग्रुप रिक्वेस्ट का देखने को मिल जा रहा है, तो आपको भी इसको आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद में आपको मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, तो आप इसके अंदर या तो आप प्राइमरी कर सकते हो या फिर आप प्राइमरी एंड जनरल, आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना है बट आपको ऑफ नहीं करना है। इसके बाद में आपको वीडियो चैट का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो बट आपको इसको ऑफ नहीं करना। इसके बाद में आपको रूम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इसको ऑफ नहीं करना, बाकी आप दोनों ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आपको इस तरीके से इनको बस आपको एनेबल कर लेना है। तो गाइज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दे, तो हो सकता है कि आप मेरे से ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछो। देखो यार होता है क्या कि जैसे कि आप ये वाले सेटिंग्स ऑन कर लिए, ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद में ये वाले सेटिंग्स आपने ऑन कर लिए। ठीक है, इसके बाद में आपको कोई भी मैसेज करेगा तो आपके पास में मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर उस बंदे का या फिर उस बंदी का मैसेज आपके पास में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे कि यार भैया ये फिर ब्रो फिर जो भी है ना, जैसे कि किसी ने पहले मेरे को मैसेज किया था तो वो मैसेज आएगा फिर नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने अभी ये सेटिंग्स ऑन करी इसके बाद में आपको कोई मैसेज करा है उसी बंदे का मैसेज आपके पास में शो होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने अभी ये वाली सेटिंग्स ऑन कर ली एंड काफ़ी टाइम पहले या फिर 1 मंथ 2 मंथ पहले जिसने भी मैसेज करा था उस बंदे है फिर उस बंदे का मैसेज भी आपके पास में शो होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको एक बार सिंपल तरह से और समझा देता हूँ, जैसे कि अभी आपने सेटिंग्स ऑन कर ली इसके बाद में आपको कोई भी मैसेज कर रहा है तो उस बंदी का आपके पास में मैसेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है वो भी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूँ। एंड आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी एंड यूजर नेम भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।